तो 90,000 रुपया वो आज कमा रहे हैं, आने वाले वक्त में वो निश्चित रूप से 1-1.5 लाख रुपए तक की अर्निंग करने वाले हैं। दोस्तों आज एक बहुत ही खुशी की बात है कि कल मेरे एक सब्सक्राइबर का ईमेल आया था। उन्होंने मुझे बताया कि जो मैंने जींस वाली वीडियो दी थी जिसमें आप बड़े शहरों से होलसेलरों से मिलकर जींस लाना है और फिर उसको अपने स्तर से बेचना है, उसकी होलसेलिंग कर सकते हैं, रिटेलिंग कर सकते हैं, वेंडर की तरह डोर टू डोर जाकर उसकी सेलिंग कर सकते हैं या मार्केट में एक जगह बेच सकते हैं, तो उसी तरीके को फॉलो करके इंफोराडिक्स चैनल के सब्सक्राइबर साथी ने मुझे मेल करके बताया कि मैंने एक बार थोक में जींस को उठाया जैसा कि मेरे द्वारा उनको बताया गया था। उसके बाद उन्होंने उस जींस को अपने एक गाड़ी में रख लिया, वो अपने लोकल में एक ऑटो वाले से उन्होंने बात करी थी। सबसे पहले उन्होंने फोर व्हीलर से बात की थी जैसा उन्होंने मुझे बाद में फोन करके बताया भी। उसके बाद उन्होंने पूरे आइटम को रख लिया अपने गाड़ी में और चले गए मार्केट में, अपने जो उनकी नजदीकी मार्केट थी वहां जब चले गए तो एक ऐसा जगह देख लिया जहां पर गाड़ी पार्क करने की जगह थी, सामने में उन्होंने बिछा दिया। मैंने बताया था, मैंने कई सारी वीडियोस दी हुई हैं जिनमें इस तरह के मार्केटिंग के बारे में भी चर्चा किया हुआ है। तो उन्होंने उस जगह पे सारी जींस को फैला दिया, वहां एक हॉर्न था, माइक स्पीकर बज रहा था और बीच बीच में अनाउंस भी कर रहे थे कि अगर आपको सस्ती कीमत पर बेहतरीन क्वालिटी के जींस चाहिए तो आप हमसे आगे संपर्क कीजिए। लोग वहां आते गए और जिनको भी जींसें पसंद आई वो उसको खरीदते चले गए। आज वो लगभग 10 दिन हो गए इस काम को करते हुए और 10 दिन में उनको काफी बेहतरीन फायदा नजर आ रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि लगभग वो 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे कुछ जींसों को मंगाने के लिए, प्रति जींस वो 250-300 रुपए तक का मुनाफा उठा ले रहे हैं, ये वो बता रहे थे। एक दिन में अगर वो 10 जींस भी बेच देते हैं तो 3,000 रुपए तो ऐसे उनकी बचत हो जाती है। 3,000 रुपए में लगभग उन्होंने 800 रुपए के अराउंड उन्होंने गाड़ी वाले से बात करी है एक दिन के लिए। लगभग शाम को 3-4 बजे से निकलते हैं, रात तक वो जब तक अंधेरा मार्केट कंप्लीटली बंद ना होने को हो जाए तब तक वो सेल करते हैं। अगर एक जगह पर उनको लगता है कि अब यहां ग्राहक आने बंद हो गए हैं तो गाड़ी को वो शिफ्ट करते हैं, दूसरी जगह लेकर जाते हैं जहां पर भीड़ होती है और उसी दरमियान वो एक और काम करते हैं। जब देखते हैं कि मार्केट एकदम मंदा चल रहा है कि अब यहां पर सेलिंग नहीं हो रही है तो उस गाड़ी को लेकर वो मोहल्ले के अंदर घुस जाते हैं। गांव में भी उनकी बिक्री होती है, वो थोड़ा सेमी अर्बन टाइप के यानी कुछ आधा गांव तरह का है आधा शहर तरह का इलाका है उनका, तो वो गांव में भी चले जाते हैं जहां पर उनकी बिक्री होती है, शहरों में भी अलग अलग मोहल्लों में जाते हैं तो बिक्री होती है। अब जरा बताइए ना, जो मार्केट में 1200 रुपए की जींसें मिल रही हैं उनको अगर आप 200 रुपए भी सस्ती कीमत पर उसी क्वालिटी की अगर आप देते हैं तो फिर कैसे लोग नहीं खरीदेंगे। उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग तो उनसे नंबर मांग रहे हैं, उनको विजिटिंग कार्ड छपवाने की जरूरत पड़ रही है कि जैसे ही अगली बार किसी जींस की किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो उसको संपर्क करेंगे, उसको सप्लाई तक दे देंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वो आज के डेट पे कितना कमा रहे हैं एक दिन में? वो एक दिन में 2,500-3,000 रुपए की अर्निंग कर रहे हैं, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 75,000 से लेकर 90,000 रुपए तक का महीना वो आज के डेट में कमा रहे हैं। आप सोच के देखिए ना कि अभी मात्र 10 दिन पहले उन्होंने कारोबार को शुरू किया है। अब ये कैसे संभव नहीं है? मार्केट में गए, 10 बिक्री हो गई, 10 जींस ही तो बेचने हैं एक दिन में 3,000 कमाने के लिए, 5,000 कमाना है उस हिसाब से आप सेलिंग कीजिए। कारोबार तो बेहतरीन है दोस्तों अगर आप लोग इसके बारे में सोचे। उन्होंने बताया कि मैंने बहुत सारे बिजनेस आइडियाज ट्राई किए थे लेकिन जैसे ही आपकी वीडियो आई मेरा दिमाग क्लिक कर गया। वो कुछ और बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, पैकिंग टाइप का कुछ बिजनेस करना चाह रहे थे लेकिन अचानक उनका दिमाग क्लिक किया, नहीं इसको एक बार आजमाया जाए, जा भी क्या रहा है, आपको बस करना क्या है ऑर्डर देकर सामान को लाना है, जब आ जाता है सामान उनको गाड़ी पे लाद लेना है, रख लेना है, चल देना है मार्केट की ओर, उनको सामने में बिखेर देना है, गाड़ी को खोल देना है, अच्छे तरीके से लोग सामान को देखें, पसंद करें, वहां खड़े रहना है। वो क्या करते, एक साइड बैग खरीद लिए हुए हैं, साइड बैग में ताकि रुपए को रखते चले, कुछ वहां कैलकुलेटर रख लिए कि अगर हेवी कैलकुलेशन करना पड़े तो धर वो काम कर दे, कलम और एक छोटी सी डायरी भी रखे हुए हैं और साथ में ड्राइवर साहब तो रहते ही हैं निगरानी बनाए रखने के लिए सामानों पर। तो 90,000 रुपया वो आज कमा रहे हैं, आने वाले वक्त में वो निश्चित रूप से 1-1.5 लाख रुपए तक की अर्निंग करने वाले हैं। स्कोप बहुत ज्यादा है, मात्र 10 बिक्री होनी चाहिए, जींस में बहुत प्रॉफिट है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे रहा हूं, आप लोग उसको जरूर देखिए। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, मैंने उनसे कहा कि एक वॉइस रिकॉर्डिंग या एक वीडियो क्लिप बनाकर आप प्लीज मुझे भेजिए ताकि मैं उसको अपने वीडियो के साथ अटेस्ट कर सकूं। तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं सर प्लीज ऐसा मत कीजिए, अगर आप चाहें तो मेरे ईमेल को आप विजुअलाइज कर सकते हैं लेकिन अभी मेरे नाम नंबर और पहचान को रहने दीजिए। अगर उनका कारोबार ऐसे ही बढ़ता रहा दोस्तों तो मैं उनका इंटरव्यू लेकर जरूर अपनी वीडियो में लेकर आऊंगा और लाइव के माध्यम से आप लोगों से उनसे मिलवाऊंगा भी। दोस्तों इस कारोबार के बारे में आप लोग जरूर सोचिए, मिलता हूं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।